कृष्णा, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, और ठाकुर जी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिसको हम लोग देव दीपावली भी बोलते हैं। तो आज देव दीपावली है, क्योंकि आज जो है शिव शंकर भगवान विष्णु भगवान से मिले थे, तो इसलिए आज और सभी देवियाँ होती हैं, सभी ने मिलकर के देव दीपावली मनाई। क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं, देव उठानी ग्यास पर योग निद्रा से जाग जाते हैं, तो शिव शंकर भगवान उनके पास आते हैं, विष्णु भगवान के पास, और उनको उनका कार्यभार सौंपते हैं। तो इसी तरह वे दोनों एक हो जाते हैं, मिलते हैं, तो इसलिए देव दीपावली मनाई जाती है। पूरी खुशी के साथ में, हर्षोल्लास के साथ देव दीपावली मनाई जाती है, और सभी देवतागण खुश होते हैं। विष्णु भगवान योग निद्रा से जाग रहे होते हैं, और फिर से अपना जो नए नए कार्य होते हैं वे होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी देव दीपावली मना सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि देव दीपावली मनाएं, जैसे कि हमने दीपावली मनाई थी, दीप जलाए थे और मिठाइयाँ बनाई थी। लेकिन देखते हैं हम किस तरह से देव दीपावली मना पाते हैं। पूजा भी करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी है, बहुत ही अच्छा, जो पूरे कार्तिक के महीने जिन्होंने स्नान किया है और व्रत रखा है, आज भी व्रत रखेंगे और कल गंगा स्नान है, तो इस तरह से उनका भी उद्यापन हो जाएगा आज ही। और कल जिसने पूरे कार्तिक के महीने स्नान किया है, वे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर कहीं तीर्थ पर नहीं जा सकते, कहीं नहाने नहीं जा सकते हो, तो घर में जो पानी है उसमें गंगा जल मिला ले। और वैसे भी कहते हैं कि गंगा स्नान के दिन गंगा जी सब जगह आ जाती हैं, तो इसी तरह आप भी स्नान कर सकते हो। और जिनके स्नान बीच में छूटे हुए हैं, उनका भी पूरा छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपको वैसे तो वीडियो पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपसे वादा करके रखा हुआ है कि आप वीडियो देखो। अब नहीं देखोगे तो फिर देखो, देखोगे जरूर। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल को, जिन्होंने चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है पूरी वॉच किया कीजिए। बहुत आप लोगों के कहने पर बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, और आप उसे भी नहीं देखते। पता नहीं क्या बात है, आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आती, मेरा बोलने का तरीका पसंद नहीं आता, या मेरी वीडियो पसंद नहीं आती। लेकिन कोई नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी और डालती रहूंगी, आप लोग एक ना एक दिन जरूर देखोगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने नहीं करके रखा हुआ है, और जिन्होंने करके रखा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच किया कीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का बटन टैप कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कल है गंगा स्नान, कौन कौन गंगा जी नहाने जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कौन नहीं जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तो बजट बिगड़ा पड़ा है, हम तो नहीं जा रहे हैं, आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर रहे हैं। और घर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, गंगा जी घर पर ही आ जाएंगी, और जल में यानी कि पानी में हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह गंगा स्नान कर सकते हो, जो नहीं गंगा जी जा सकते, और जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने स्नान नहीं किया है, वो कल जरूर से। घर में कोई भी बच्चा और बड़ा बूढ़ा कोई नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कल गंगा स्नान है, और गंगा स्नान करना चाहिए। और कहते हैं कि हर जगह ही गंगा जी आती है, ऐसे मैंने अपने बड़ों से सुना है, वैसे पक्का नहीं पता, सुना है उनसे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो दोस्तों, जो गंगा जी जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और दर्शन कर लीजिए विष्णु भगवान जी के, और राधा रानी को जो लक्ष्मी रूप में, और ये हमारी लक्ष्मी माता हैं, ये विष्णु भगवान जी हैं,
और देखिए दोस्तों, आज देव दीपावली है, तो देव दीपावली पर श्रृंगार तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इनके दर्शन करा रही हूँ। कहते हैं कि देव दीपावली के दिन पूजा करते हैं तो शिव शंकर भगवान या इनके शिव परिवार साथ में होना चाहिए, और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता भी साथ में होने चाहिए। तो ये हमारे गोपाल जी हैं, गोपाल जी का श्रृंगार देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर सा हुआ है। और यहाँ पर बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, और यहाँ पर हमारी राधा रानी बैठी है। और तो दोस्तों आप लोग बता सकते हो आपको हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और लड्डू बाबू कैसे लगे और कैसे हमारी छोटी सी ये वीडियो लगी। और कल तो हमारे छोने छोने बाबू भी स्नान करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं इनको स्नान करा दूंगी। अगर हो सका तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे अगर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो देखिए कल अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और लड्डू बाबू को स्नान कराया तो मैं आप लोगों के साथ जरूर से वीडियो शेयर करूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।